टुडे वी रीड फैमिली वैल्यूज एंड मेकिंग डिसीजंस। माला लव टू वॉच हर ग्रेट ग्रैंडमदर मेकिंग पिकल एंड पापड़। इन माला को बहुत अच्छा लगता था जब उसकी दादी पिकल और पापड़ बनाती थी। व्हेन फेस्टिवल आर अराउंड हर ग्रैंडमदर वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्वीट्स एंड अदर डिशेज एट होम। शी डिड नॉट लाइक बाइंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ग्रेट ग्रैंडमदर टोल्ड माला दैट शी हैड लर्न टू मेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हर मदर। I did not go to school. I stayed back at home and learned household chores from my mother. She said. यानी माला को बहुत अच्छा लगता था उसकी दादी क्या करती थी जब पापड़ और अचार बनाती थी, और जब भी कोई फेस्टिवल होता था उसकी दादी पहले से ही प्रिपरेशन करने लग जाए स्वीट्स वगैरह। उनको बाहर का जो मार्केट से ख़रीदा हुआ स्वीट्स अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था। और उसकी मम्मी है और वो कभी स्कूल नहीं गई। उसकी मम्मी है उनका घरेलू काम में जो हाउस होल्ड चोर्स है उसमें उसकी हेल्प करवाती थी। माला फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट हर ग्रेट ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू ही स्कूल। शी हरसेल्फ वाज नेवर अलाउड टू मिस स्कूल इवन फॉर अ डे। यस वेल यू सी शेड ग्रेट ग्रैंड मदर सैडली। My father believed that girls should not be sent to school. They should stay back at home and learn household chores. After all, this is what girls were supposed to do when they grew up and got married. यानी क्या था, लड़कियाँ को स्कूल जाने का अलाउ नहीं था और उनकी क्या होती थी, शादी कर देती थी। घरेलू कार्य में ही वह समय बिताती और उनकी शादी कर दे। But as much As I like pickle and papad, I don't want to be doing only this when I grow up. I want to be a photographer or a scientist, said Mala. वो क्या था उसको, फोटोग्राफर और साइंटिस्ट बनना उसको एक चीज़ क्या थी, पसंद थी। You have a choice, said great grandmother. But during my time, girls did not have a choice. They did what the elder decided for them. That night Mala kept thinking about her conversation. Though she was too young to understand everything, she felt glad that she could always decide for herself by discussing or consulting the elders in her family. यानी बड़े थे वही क्या करते थे, डिस्कस करते थे, कंसल्ट करते थे कि क्या करना है फैमिली में, उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता था। बस, और इसकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी वर्ड मीनिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ओके।